बोला उस रोड पर, घर वाले क्या बोलते हैं, उस रोड पर आमतौर पर रात के टाइम 5 बजे के बाद बाइकें बंद हो जाती हैं। तो पहली बार ये बात सुनते ही उसकी मासी जी के मुंह से मेरे 1 मिनट के लिए रोंगटे से खड़े हो गए। मुझे लगा कुछ है, मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, मैंने खुद चेक किया, मेरे बाजुओं के ना वो जो बाल होते हैं वो थोड़े से रोंगटे से खड़े हो गए। हम पैदल लेके चल दिए, अचानक से जोर कर झटका लगता है मुझे और मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ और मेरी बाइक जो है स्कूटर वो भी मुड़ जाती है। तो मैं उसको बोलता हूँ, धक्का दे रहे क्या, क्या कर रहे हैं तुम, स्कूटर खेत में उतर जाएगी भाई, धक्का दे रहे क्या। वो कह रहा भाई मैंने धक्का नहीं दिया, देखिए हमारे पीछे कौन है। अभी चल ही रहे थे अचानक एक झटका लगा मेरे मित्र को और वो गायब हो गया। रात को 1:30 बजे शमशान घाट का अंदर से गेट लगा हुआ, मैंने बाहर जाके आवाज़ मारी, मैंने कहा बाबा गेट खोलना, 2 मिनट बात करनी है आपसे, मुझे फ्रीजर चाहिए, मेरे एक मित्र का छोटा भाई एक्सपायर हो गया। एक आवाज़ आई, अभी उठा, अंदर से आवाज़ आई, तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, सुबह आना, डिस्टर्ब मत करो, सुबह आना, मुझे बुला रहे हो, मैं आया, खतरे में पड़ जाओगे, जाओ। मैं समझते हुए देर नहीं लगाई, ये ठीक कह रहे हैं, नहीं बुलाना रात के टाइम ठीक नहीं होता। मैं वहाँ से बाइक में किक मारी और मैं चल दिया। वो दिल को और आत्मा को भेद देने वाला साउंड था, वैसा साउंड था कि मैं समझते देर नहीं लगाई कि नॉर्मल आवाज़ नहीं, एक बुजुर्ग आदमी की जो शमशान घाट में चौकीदार है, 60 से 70 साल की उम्र उसकी रही होगी, 70 साल की उसकी उम्र, इतना तेज साउंड। ये नीचे का सिरा है, ऊपर का सिरा है, ऐसे ही हमारा शरीर, ये जो दिख रहा है ये प्रकृति है, जो भीतर है वो परमात्मा है, जो दिख रहा है शरीर है, जो नहीं दिख रहा है वो आत्मा है। और आत्मा बहुत शुद्ध बुद्ध भी होती है, बहुत शरारती भी होती है, बहुत खूबसूरत भी होती है, बहुत बदसूरत भी होती है, और आत्मा ऐसी भी होती है जान ले लेती है, और आत्मा ऐसी भी होती है आपका कल्याण कर देती है। सूर्य से शनि इतनी दूर है कि उसके सूर्य की रोशनी शनि तक पहुंचते बर्फ बन जाती है, ठंडी हो जाती है, इतनी दूर शनि है। अरे भाई जैसे सूर्य हमारे करीब नजदीक है ना, हमारी झोपड़ी में आ जाता है, नहीं आता है क्या, आते हैं ना, कितनी दूर है, कितने दूर है कोई, तो आप एक मिनट, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी पत्नी को, अपने सर को बचाना है, अपने खुद को बचाना है। किसी भी आज तक किसी आदमी को भूत चढ़ते देखा क्या, किसी डीसी को देखा क्या, मनमोहन जी को भूत आया आज तक, राहुल गांधी को भूत आया आज तक, मोदी जी को, योगी जी को भूत चढ़े आज तक, क्या चढ़े भूत किसी को चढ़े क्या। उसने बहुत तंग कर दिया घर वालों को, बहुत तंग कर दिया, आंख तो है नहीं, ब्लाइंड था वो, घूम ही जा रहा, शोर मचा रहा है, जय हनुमान, वैराग उत्पन्न हो गया उसका, पंखे की स्पीड में घूम, हाँ, बहुत तेज घूम ही जा रहा, सारे पकड़ के परेशान हो गए। सड़क पे लाइटें नहीं होती थी, परेशानी इतनी बढ़ गई, टेंशन इतनी बढ़ गई, मैं क्या हुआ। थोड़ी देर मुड़ के देखा तो पीछे वो मैरिज पैलेस नहीं है, देखा तो बारात कहाँ चली गई, लोग कहाँ चले गए। मैं किसी तरह उसका हाथ पकड़ कर, मगर भाग यहाँ से, भाग, यहाँ पे कुछ है, भाग। सबसे पहले तो मैं जोतवाल के पॉडकास्ट चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और परिवार में बैठा हूँ और पारिवारिक तौर पर चर्चा होगी, और जो भी अनुभव रहेंगे वो पर्सनल आत्मिक रहेंगे, पर्सनल रहेंगे। उन अनुभवों ने मुझे बहुत सिखाया है, और उन अनुभवों से मैंने इतना सीखा है कि आज जो आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, अपने अनुभव को साझा करने जा रहा हूँ। अभी आपने जैसे कि लक्ष्य आपने मुझे बताया प्लीज़, कि चाचू कोई ऐसा बताओ किस्सा जो डरावना हो, जो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो, जो भूत प्रेत की घटना हो, जहाँ कहीं आपको लगा हो, जहाँ आपके मन में कहीं भय हो और वहाँ गए हो, ऐसी जगह कोई स्कैरिंग ऐसा कुछ, ऐसा किस्सा सुनाए आप। कोई डरावना भूत या कोई स्कैरिंग वगैरह थोड़ा सा आता है, मेरी जो ऑडियंस है ना वो मतलब मिडल है,
मेरी जैसी है, बीच की यंग है, तो उनको अच्छा लगेगा वाला टॉपिक। और मुझे लगता है कि वो अच्छे से देख भी रहे, समझ भी रहे। और चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक। बात उस समय की है जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। तो एक हमारे पास एक बजाज स्कूटर हुआ करता था, बजाज स्कूटर, प्रिया सुप्रिया के घर बजाज, पहले बजाज और सुप्रिया स्कूटर। उस स्कूटर पे एक बार एक गांव में जाना हुआ एक मित्र के यहाँ पर, तो वहाँ पर जाना था और वापसी आना था, 1 घंटे का सफ़र था, गांव की बात थी। तो बाइक में तेल भी था, सब ओके करके चले थे, 1 घंटा जाना था अपने घर से, घर से कुछ नियर अबाउट 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव था मेरे घर से, 25 किलोमीटर, हाँ आराम से जाना था, आराम से वापसी आना था। और समय था कुछ 7 बजे इवनिंग में, 8 बजे तक मुझे लगा वापस आ जाएंगे। स्कूटर मुझे भी चलानी आती थी, उसे भी चलानी आती थी, चल दी। जब उस गांव के उस रास्ते पर हम जा पहुंचे, जिस बारे में हमें बाद में पता लगा, वहां बड़े एक्सीडेंट होते थे, बड़ी घटनाएं घटती थी, वहां सुना भूत बात हुआ करते थे। और वो भूत क्या व्यक्ति के साथ क्या बिहेव करते थे आज मैं बताने जा रहा हूं। हमारा वो स्कूटर उस गांव के में पहुंचने से पहले बीच में रुक गया। अभी नॉर्मल थे, अभी चिंता अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा नहीं था, 7:30 के आसपास कुछ हुआ था। तो गांव में रोड पे लाइटें नहीं थी, इस साइड अपना वो जो गन्ने के खेत थे, इधर भी गन्ने के खेत थे कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा वो आप समझते हैं गांव के इलाका कैसा होता है। तो बीच में अपना जो है स्कूटर रुकी, तो उसको हमने वो बोलते उसको स्टार्ट करने के लिए हमने कई तरह की टेक्निक तरकीबें लगाई, उसको टेढ़ा किया, टेढ़ा किया जैसे पापा पहले बड़ी चलती थी, जिम टेढ़ा किया, मतलब पेट्रोल अगर कम होना फिर भी थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता ताकि चले, उसको कहते थे ओवर ओवर ओवर। तो लक्ष्य देखो बेटा, हमने उसको टेढ़ा किया, मैंने कहा किक मारते हैं, 1 किक 2 किक 10 किक मारी, नहीं स्टार्ट हुआ। तो मेरे मित्र बोला भी मैं कर दूंगा, ठीक है, उसने भी 8-10 किक मारी, नहीं स्टार्ट हुआ। तो हम बोलते कितनी दूर आया, कुछ आइडिया मैं आपसे ले रहा हूँ, मैं आइडिया आपसे बताओ यार, आपका गांव में जो घर है जहाँ हम जा रहे हैं वो कितनी दूर है। बोला कुछ नहीं है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता रहेगा। मैं बस 10 मिनट का वो रास्ता निकला, 1/2 घंटे का हम स्कूटर को पैदल खींच के गाँव में गए। हम गाँव पहुँच गए, और गाँव पहुँचने के बाद जिस घर में हमें जाना था उस अपने मित्र के परिवार में, वहाँ उन्होंने हमें चाय पानी नाश्ता जो रात का भोजन था सॉरी वो हमने वहाँ किए। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात कही जो हमने आप बीती अपने सुनाई, कि स्कूटर में तेल भी है, सब ओके है, सर्विस करवा रखी है, सब कुछ ठीक था, ये वहाँ गए क्यों। वो बोले उनके उसके परिवार वालों ने मुझे एक घटना एक ऐसी कहानी बताई, और एक कहानी जैसी उस परिवार वालों ने बताई, तो साथ में परिवार के कई सदस्य खड़े थे, उन्होंने भी बहुत सी बातें बताई उसी रोड के बारे में। बोला उस रोड पर घर वाले क्या बोलते हैं, उस रोड पर आमतौर पर रात के टाइम 5 बजे के बाद बाइकें बंद हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, टक्कर लगे गिर जाता है इंसान, चक्कर खा के गिर जाता है, वो मनहूस वहाँ पे, वो भूतिया रोड भी कह सकते हैं उसे, उस रोड का नाम तो भूतिया रोड, उस रोड का वो डेडलाइन क्या रखा था, उस रोड का वो डिफॉल्टर रोड भी कहते थे वो। उन्होंने मुझे अजीब सी बातें बताई, मैं आप बिलीव करें मैं और मेरा मित्र, हाँ उसके मासी के परिवार में आना था गांव में। मेरे जीवन का कोई पुराना कोई अनुभव नहीं था उस वक्त गांव में, मैं शहर में पला बढ़ा हूँ, मुझे गांव में ना मेरी लाइफ मैंने लाइफ को जिया है, तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो जब उन्होंने बताया कि इस रोड पर जब बाइक कन्वेंस कुछ रुक जाए तो समस्या ही आती है, भूत पकड़ लेते हैं। तो पहली बार ये बात सुनते ही उसकी मासी जी के मुंह से मेरे 1 मिनट के लिए रोंगटे से खड़े हो गए। मुझे लगा कुछ है, मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, मैंने खुद चेक किया, मेरे बाजुओं के ना वो जो बाल होते हैं वो थोड़े से रोंगटे से खड़े हो गए थे, मुझे ऐसे लगा हाँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, उनका बताने का तरीका ऐसा था कि वह भूत होते हैं। उन्होंने अपनी घटना बताई और मुझे ये भी बताया कि अभी तुम्हें वापसी जाना है,
क्या रात को रहना है, स्टे करना है? बेटा देखो, मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आपको रात को नाइट स्टे करो। भाई साहब बिलीव करोगे, विश्वास करो आप, मैंने एक बात कही थी कि माता जी मम्मी गुस्सा होगी, हम घर में अम्मा बोलते हैं, अम्मा गुस्सा होगी, मैं तो वापसी जाऊंगा भाई, मुझे तो जाना है, मैं तो स्टे नहीं कर सकता, आपको भी चलना पड़ेगा। हमें वो उस घर में उस परिवार के जो बड़े थे, मगर आप साथ चलना, हमें वो ये सड़क पार करवा ना, कोई बात नहीं, इसमें क्या समस्या है? तो वो बोले कि उस रोड पे तो घर से कोई जाता नहीं है, बाकी आप देख लीजिए, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बात घूम फिर के ये लास्ट सोल्यूशन ये निकला कि मुझे वहाँ से उस रोड से जाना था। किसी भी तरह उन्होंने बाइक वाले वहाँ से गाँव में से किसी को बाइक वाले को बुलाया, टेक्नीशियन को, उन्होंने हमारी जो है स्कूटर वगैरह ठीक की और हमें स्टार्ट करके दे दी। अब मजे की बात है, जैसे बाइक स्टार्ट करके उन्होंने हमें दे दी और मैंने बाइक हाथ में ली और उस लड़के को बिठाया और हम चल दिए, सेम उस्तान पर उसी रोड पे वहीं आके स्कूटर फिर बंद हो गई। जब पहली बार बंद हुई थी कोई डर नहीं था, कहानी पता नहीं थी, उस रोड के बारे में स्टोरी नहीं थी, घटनाएं नहीं थी। अब जब इस बार जो सड़क पे वो जो मेरी बाइक रुक गई, वो स्कूटर रुक गई, आप विश्वास करें अब कुछ कुछ हो रहा है। अब तो होएगा ना, आपको देखी मक्खी अगर उसमें गिर जाए चाय में तो कौन पी सकता है। अब कुछ हो रहा था और होना क्या था, इस दुनिया में डर भय कुछ नहीं होता है, शब्दों से जो कहानी सुन ले, किसी के बारे में जानकारी मिल जाए, किसी के बारे में पता लग जाए, ये ऐसा है, ऐसा हो गया तो शब्द हमारे भीतर चले जाते हैं, वो शब्द वो डोज वो कहानी वो स्टोरी अपने काम करना शुरू करते हैं। जैसे हमारा वो जो स्कूटर रुक गया तो हमने दोनों में आपस में डिस्कस किया, भाई अब तो रुकना नहीं है, वो गलत हो गए तो चलो किक मारते हैं, फिर किक मारने का वो प्रयास जारी रहा हमारा, लेकिन वो नहीं स्टार्ट हुई, हम पैदल लेके चल दिए। अचानक से जोर कर झटका लगता है मुझे और मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ और मेरी बाइक जो है स्कूटर वो भी मुड़ जाती है, तो मैं उसको बोलता हूँ धक्का दे रहे क्या कर रहे तू, स्कूटर खेत में उतर जाएगी भाई, धक्का दे रहे क्या? वो कह रहा भाई मैंने धक्का नहीं दिया, देखिए हमारे पीछे कौन है। भाई देखिए वो बोलते हैं बोला देखो मैंने धक्का नहीं दिया, आप देखो कौन है हमारे पीछे, मुझे लग रहा कोई है। आप विश्वास करो मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी पीछे, कहाँ जाएगा वो, कमाल की बात है, मुड़ कर भी देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, आज हम रात को ना तो मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं बोला रट तू हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुरु, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने कहा तूने एक काम करना है, जो हमारे हनुमान जी है भूत प्रेत भगा देते हैं उसको, जो हनुमान चालीसा बोलने से सारा जो है सब भूत प्रेत भाग जाते हैं, आपने हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है, मैं भी बोलूँगा मन में, ठीक है, और हम यहाँ से पैदल निकलेंगे, रुकेंगे नहीं, रुकने का कोई सीन नहीं है। अभी चल ही रहे थे अचानक एक झटका लगा मेरे मित्र को और वो गायब हो गया। हाँ तेज हवा आई, वो गायब हो गया और मुझे लगा कोई बात नहीं, यहाँ तो यह गिरा होगा, ये गिरा पड़ा होगा, यहाँ गिर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे था, वो मेरे साथ चल रहा था, कहीं पीछे चल रहा था, जब वो पीछे चल रहा था मुझे सेफ्टी थी कि मेरे पीछे मेरा मित्र चल रहा है, हम दोनों इकट्ठे हैं। मैंने उसको कहा बराबर हो ले, कोई पीछे तेरे को खिसका के ले गया तो मैं किसको, मैं तेरी माँ तेरी मम्मी पापा को तेरे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, अरे भाई साथ हो ले। वो बोला भी ठीक है कोई नहीं, मैं स्कूटर पे हाथ रखा हुआ है, मैं कहा ठीक मैं चला रहा हूँ। मेरी स्कूटर थोड़ी हिली और वो गिर गया, ऐसे लगा वो गिर गया, मैंने मुड़ के देखा वाकई वो गिर गया था, वो खेत में साइड में गिर गया था। आवाज आई चीखने की, अरे कृष्णकांत अरे रुक भाई। मैंने उस स्कूटर को नीचे एक दूसरा स्टैंड होता है जो साइड स्टैंड मैं साइड स्टैंड पे स्कूटर को लगाया और मैंने आवाज मारी कहाँ है, तो वो जो गन्ने के खेत थे सड़क किनारे, अब विश्वास करो वो कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। अरे मैंने कहा है कहाँ, कह रही तू हाथ तो दे मेरे को, मैंने कहा है कहाँ, हाथ तो मैं दे दूँ, दिखाई तो दे रहा मेरे को, कहाँ चला गया, तेरे काम तो नहीं हो गया, आवाज़ आना बंद होगी, आप विश्वास करो आवाज़ आना बंद हो गई थी। और मैं इतना परेशान हो गया था मेंटली कि इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मेरी ये घटना क्या घट रही है, कैसे हो रहा है। तो लास्ट में
उस बात को थोड़ा सा फाइनल टच देते हुए मैं अगली बात पे आऊँगा अपनी, और इस बात पे यहाँ पे आपको जीवन का एक सत्य घटना से मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने उसको देखा आवाज़ मारी, वो बोला मैं यही हूँ, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद कह रहे नीचे आ जा, डॉल से सड़क से उतर गई, इधर से नीचे आ जा। मैंने कहा नीचे खड़ा हुआ ठीक है। वो ज़्यादा गहरे में उतर गया था, उसे खुद नहीं मालूम उसको उतारा किसने है, खींचा किसने है, गिर कैसे गया, स्पैर भी स्किप नहीं हुआ उसका। मैं भी नीचे उतर गया और बाइक लगा, स्कूटर लगा कर जब मैं नीचे उतर गया, मैंने देखा तो वो सामने खड़ा है और वो कह रहा आ जा भाई, ये बारात आ रही है चले। मैंने कहा इधर कहाँ से, कह रहे बाईपास नीचे से रास्ता जा रहा है, वो सामने से बारात आ रही है। मगर बाईपास होता है ठीक है, रास्ता होता ठीक है। तो इस तरह हमने वो सब वगैरह थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, बारात तो छोटे हम थे, रात का टाइम था, तो मुझे लगा चकाचौंध है नीचे का रास्ता है, बाईपास रोड बारात घूम लेते हैं। तो मैं बोला बाइक करा, बाइक वो रास्ता बाद में देखेंगे, बाइक बाद में देखेंगे। तो हम बारात में हो लिए, उस बारात में चलते रहे। वो बारात एक पैलेस में रुकी, शानदार पैलेस में रुकी। उस बारात में हमने हजार प्रकार के, 56 प्रकार के, जो बोले ना सही तरीके से बताएं तो 56 प्रकार के भोग, ऐसी वैरायटी देखी वहाँ पर। खाने का तो मेरा साहस नहीं हुआ, वो बोला मैं खा लूँ, मैं कहा आपको मेरा साहस नहीं हुआ, वो मैं नहीं, हमारे माँ बना करते हैं, हमारे संस्कार नहीं, दूसरे की मैरिज में कहीं ऐसे खाना नहीं खाना। तो स्ट्रिक्ट माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट रहे हमारे, तो बिना बुलाई कहीं जाना नहीं है, दूसरे की व्रत में खाना नहीं खाना ऐसा कुछ करके। तो ठीक है मैंने नहीं खाया, आप विश्वास करेंगे बड़ा आलीशान सा पैलेस है, 56 प्रकार के भोग चल रहे हैं, वो भी शुरू हो गया खाना, और खाना खाने के लिए शुरू कर दिया उसने और मैं रुका हूँ। और उसके बाद बोला चलें, मैं कहा चलते हैं। और उसके बाद कोई हमारे ठोकर लगती है और आँख खुलती है, हमारी ठोकर लगती है और हम पैरों के वो जो अपने हमारे शूज़ के जो है हमारे प्लेसेस बंद करके ऐसे उठते हैं। तो अंधेरा होता है और समय का मालूम नहीं था, मोबाइल होता नहीं था, सड़क पे लाइटें नहीं होती थी, परेशानी इतनी बढ़ गई, टेंशन इतनी बढ़ गई, मैं क्या हुआ। थोड़ी देर मुड़ के देखा तो पीछे वो मैरिज पैलेस नहीं है, देखा तो बारात कहाँ चली गई, लोग कहाँ चले गए। मैं किसी तरह उसका हाथ पकड़ गया, मगर भाग यहाँ से, भाग यहाँ पे कुछ है, भाग। जिस तरीके से हम भागे और स्कूटर वो वहाँ चढ़ के वापस स्कूटर वहाँ से उठाया और स्कूटर बड़ी तेजी से भागे, फिर हनुमान चालीसा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर। इस तरीके से भागे हम हनुमान चालीसा पढ़ते, मुड़ के मत देख, इधर से तू स्कूटर पीछे पकड़ के रख, इधर से मैं पकड़ता हूँ आगे से, स्कूटर ले भाग। वहाँ से हम भागे और अपने शहर में जब पहुँचते हैं करीब 9:30-10 बजे, तो आप विश्वास करेंगे अपने शहर में मेन रोड पे लाइटें थी, कंफर्ट हुआ, अच्छा महसूस किया। और उसके बाद अगले दिन हमने बातचीत की, इसकी मासी को फ़ोन किया, वो बोली जो बारात तुमने देखी थी, जो खाना तुमने देखा था, जिस पैलेस में तुम गए थे, वो पहले आपसे पहले ही बहुत बार हो चुका है। वो भूत ले जाते हैं, वो मरे हुए लोग, मरे हुए लोग साथ ले जाते हैं। वो जो पैलेस देख रही हो तुम, आलिशान एक पैलेस देख रही हो, उसमें 56 बड़े भोग हैं, वो भोग नहीं है, वो सारा गंध होता है, वो सारा गंध होता है। देखने के तो ऐसे लगा कि वो है, हाँ मिठाई वगैरह है, लेकिन और तुम बचे कैसे, उन लोगों से बचे कैसे, मगर बची, परमात्मा ने बचाया, रास्ता बनाया, हमें खुद नहीं मालूम हो क्या घटना क्या घट रही है, ये गिरता वो उतरता गायब हो जाता है। इस जीवन में जो मेरे इस जीवन में जो घटना घटी है इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बार याद है जो मैं बचपन में ना आपसे पूछ रहा था, तो आपने मुझे बताया, आप कह रहे अभी कुछ मतलब उस समय की बात, आई थिंक मैं 10-12 साल का था जब हम सारे एक ही जगह पे रहते थे, तो वहाँ पे आपने मुझे बताया, कहते रात का समय था और आप लेट आए थे वहां से, आप मुझे बताते, कहते मैं शमशान मतलब ना शमशान घाट के पास से जा रहा था मैं, तो आपने कहा कि वहां पे एक पर्सन था और उसके पैर मुड़े हुए थे दोनों, और आप ये कहते हैं कि वो ये पूछता है कि शमशान घाट का रास्ता बता दो, और आपने कहा कि भाई वो क्या याद आ रही कुछ ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल वो बात मेरे जीवन में घटना ही घटी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन से अपने जैसे शहर में एंटर किया और मैं अपने शहर में वापसी आ रहा हूँ, तो एक रास्ता है चौक पड़ता है हमारे घर के से पहले, काफ़ी बहुत पहले, तो वहाँ पर क्या है कि
शमशान घाट की ओर जाते हुए एक रास्ते चौक पर, उस चौक पर एक महिला मुझे मिलती है, बोलती है कि हाथ करती है रोकते है, मैंने कहा मैं रुकता हूँ, हाँ जी बोली, बोले मुझे शमशान घाट जाना है। तो समय मैंने देखा, समय तो काफ़ी हो गया, शमशान घाट का रास्ता पूछ रही है। उस बुज़ुर्ग महिला को देखा मैंने, मैंने उसके पाँव की तरफ देखा, पाँव उसके मुड़े हुए थे, तो मैं समझते हुए मैंने देर नहीं लगाई कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं तो वही घटना ही है। मुड़े हुए, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे हमारे उन्होंने बताया, माँ ने तो हम बताते थे हमारे, तो ऐसा स्टोरियाँ ऐसी कुछ डिफेंस था। तो शमशान घाट का रास्ता रात को पूछना उसका मुझसे, और मेरा सब कुछ को, सारी कहानी स्टोरी को एकदम पिक्चर कर क्लियर होना। मैं वहाँ नहीं रुका, मैं बोला ये रास्ता जा रहा है अब जाइए, बोले छोड़ के आओ मुझे लेकर चलो, मैं कहा निवेदन है मैं नहीं छोड़ के आ सकता, और मैं ये रास्ता अब जाइए, मैं वहाँ से चला गया। वो एक घटना मेरे जीवन में सत्य है, और ये घटना ऐसी थी कि मेरे अपने जीवन में बच्चों को बताता हूँ, जैसे कि आपने भी कुछ कई बार वो घटना थोड़ी सी होती है, छोटी सी होती है, पर उसका डर बड़ा लेवल का होता है, एहसास बड़ा होता है। अब उसकी वजह शब्दों में नहीं, एक मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ, लेटेस्ट एक मेरा मित्र है, उसका छोटा भाई, वो मेरा मित्र होटल का मालिक है, उसका छोटा भाई एक्सपायर हो गया। रात को कॉल आया, मेरी मिसेज ने उठाया, आपकी चाची ने फोन उठाया, बोले हाँ जी, बोले मैं बोल रहा हूँ, मुझे स्वामी जी कृष्णगंज से बात करवा दीजिए। तो वो बोले सॉरी, बोले बात करा दो, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, बात करा दो, मुझे बात अर्जेंट कर देंगे। तो मिसेज बोले कि बोले देखो ऐसे ऐसे करके फ़ोन है आपके मित्र का और बात करना चाह रहे हैं, कोई एमरजेंसी है, कर लो बात। मैं ठीक है, मैं कहा भाई क्या हुआ? बोले यार छोटा भाई एक्सपायर हो गया और ना हमें शमशान घाट आपको जाना पड़ेगा, और शमशान घाट जाके ना वो बुक करना होता है, क्या बोलते हैं जो फ्रीजर होता है, मृत मृत शरीर को जिसको फ्रीजर में रखते हैं वो बुक कर देना, और अभी जाना पड़ेगा। रात के समय 2 बजे का टाइम था, 1.5 बजे का टाइम था मुझे ध्यान आ रहा। मैं रात को 1.5 बजे उसको यस बोलकर, उसमें डाउट वाले बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मैं अपने दोस्तों को अपने सर्कल में जहाँ मेरी ऑटो बैठा है जो कमिटमेंट कर दिया, मैं कमिटमेंट खड़ा उतरता हूँ। मेरी मिसेज बोली कि आप रात को 1.5 बजे शमशान घाट जाओगे? मैंने कहा जाना पड़ेगा, जरूरी है। तो रात भर स्मेल मार जाइए, गर्मी का टाइम है, बॉडी में वो फ्रीजर चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो आप यकीन मानिए लक्ष्य, कि मैं रात के टाइम शमशान घाट जाता हूँ, और शमशान घाट जाकर मैं आवाज़ लगाता हूँ, जो शमशान घाट में एक बाबा रहता है जिसे मैं जानता हूँ, और कई बार हम अंतिम संस्कार में कई बार जाते हैं, बाबा होता है वहाँ पर, तो मुझे मालूम है बाबा वहाँ रात को होगा। मैंने नोक किया, गेट लगा हुआ था, अंदर से गेट लगा हुआ था, रात को 1:30 बजे शमशान घाट का अंदर से गेट लगा हुआ था। मैंने बाहर जाके आवाज़ मारी, मैंने कहा बाबा गेट खोलना, 2 मिनट बात कर दी आपसे, मुझे फ्रीजर चाहिए, मेरे एक मित्र का छोटा भाई एक्सपायर हो गया। बाबा उठो, जो मन में भाव थे तेजी से कहने की, उनको समझाने की, वो बात में मन में रिपीट भी हो रही है, रात का टाइम है, शमशान घाट के बाहर खड़ा हूँ। जी जी, मेरे जीवन पहली घटना है, हाँ ऐसी, भगवान ने करे दोबारा ऐसा सीन कभी आए किसी के जीवन में आए। उस घटना में उस समय मेरे मन में था कि भूत होते हैं, नकारात्मकता होती है, इसमें कोई झूठ नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें एक सबसे पॉजिटिविटी उस शमशान घाट में है। सामने शिव की आलिशान विशाल प्रतिमा है, कालों के महाकाल की प्रतिमा है। अब मैच्योरिटी आ गई, वो बचपन अलग था, भयभीत हो जाना, डर जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। अब ये स्थिति है कि वो महाकाल की प्रतिमा सामने है, और हमें मालूम है जैसे गेट खुलेगा, जो भी चौकीदार है वहाँ का रखवाला है, वो गेट खोलेगा तो सामने जो है भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है वहाँ, तो नमन करेंगे और बातचीत करूँगा। तो मैं भगवान शिव की प्रतिमा को मन में धारण करके मैं सोच रहा हूँ गेट खुलेगा, खुलेगा, मैंने बाबा खोलना गेट, बाबा जय श्री राम, बाबा उठो, बाबा उठो, वहाँ से कोई नहीं आया। एक आवाज़ आई, अभी उठा, अभी उठा, अंदर से आवाज़ आई, तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, सुबह आना, डिस्टर्ब मत करो, सुबह आना, मुझे बुला रहे हो, मैं आया, खतरे में पड़ जाओगे, जाओ। मैं समझते हुए देर नहीं लगाई, ये ठीक कह रहे हैं, नहीं बुलाना रात के टाइम ठीक नहीं होता। मैं वहाँ से बाइक में किक मारी और मैं चल दिया, मैं घर आया, मुँह धोया, फ्रेश होकर अपना
मिस्त्री को बताया, उसको भाई को कॉल किया मैंने कि भाई पॉसिबल नहीं है, बोले सुबह आना, रात को नहीं, कर ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा ऐसा उसने बोला है, कुछ बात उसको नहीं बताई थी वो आज मैं आपसे ओपन करता हूँ। जो उसने एक बात कही थी, बुला रहे हूँ आ जाऊँ क्या, खतरे में बढ़ जाओगे, चले जाओ। उसके पीछे कुछ आवाजें हो रही थी, कुछ और आवाज आई थी, जैसे एक आवाज एक साउंड में आवाज करते हैं और कुछ मल्टी साउंड में आवाज करते हैं। जो मल्टी साउंड की आवाज थी वो साउंड नॉर्मल नहीं था, वो दिल को और आत्मा को भेद देने वाला साउंड था। वैसा साउंड था कि मैं समझते देर नहीं लगाई कि नॉर्मल आवाज नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी की जो शमशान घाट में चौकीदार है, 60 से 70 साल की या 70-75 साल की उम्र उसकी रही होगी, 70-75 साल की उसकी उम्र, इतना तेज साउंड, भेद देने वाला, आत्मा को भेद देने वाला भीतर तो उधर से ऐसा साउंड। मैं समझते देर नहीं लगाई मैं वहां से जल्दी। तो ये घटना थी मेरे जीवन में और आपसे मैंने जो साझा की, और इसी के साथ एक छोटा सा वाक्य और याद आ रहा है, वो भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। भाई साहब, एक रोड है किरमिच रोड पे, हम किरमिच जाते हैं, रास्ते में एक वो उस रोड का पर्टिकुलर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है उस रोड पर जाने से ना, किसी ने मुझे बताया, मैं नाम तो मैं उनका नहीं लूँ, वो बोले कि वहाँ पर जाने से ना मोबाइल बंद हो जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अभी रिसेंटली बात है, कुछ ही महीने पहले की बात है, बोले कि वहाँ पर ना मोबाइल बंद हो जाते हैं। और जो है अगर मैं बोला कि आप कहना चाह रहे हो भूत है, बोला हम होते हैं, भूत का वहाँ पे एनवायरमेंट है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा है, वहाँ मोबाइल काम नहीं करते, वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा है। मैं बोला कि अगर ऐसा है तो मैं चेक करना चाहूँगा पर्सनली। बोला कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, मेरा ना उन्होंने जानकर था, जानकर है भी, बहुत अच्छी मेरी बातचीत है उससे। बोला मैं उसे बोला हाँ चलते हैं, हम गए। उसने कहा रोड स्टार्ट होता है यहाँ से अब, मैं कहा मोबाइल लगाऊ निकाल लूँ, कर हाँ मोबाइल निकाल लो। वो बोला यहाँ पर रोड स्टार्ट होता है अब यहाँ से बिल्कुल आधा किलोमीटर वहाँ तक, आपके मोबाइल के सारे टाव जो रेंज है ना वो माइनस होती चली जाएगी, बिल्कुल माइनस हो जाएगा, रेंज दिखाता हूँ वो रेंज खत्म हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी, किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाओगे आप, किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे आप। अब देखो मैंने मोबाइल निकाल दिया, रोड स्टार्ट हो चुका है। उस भूतिया रोड पर जो मुझे कहा गया था मैंने चेक किया, मैंने महसूस किया नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ, देखा रेंज जाना स्टार्ट हो गई। और जब हम बिल्कुल उस रोड के सेंटर में पहुंच गए, आप विश्वास कीजिए रेंज गायब हो चुकी थी। मैं मान चुका था, मैं पहले भी मानता था, मैं भी मानता हूं, इस दुनिया में दो तरह की सत्ता है, एक सकारात्मक सत्ता एक नकारात्मक सत्ता है। इस दुनिया में हर चीज के दो छोर हैं, एक प्रकृति है तो एक परमात्मा है, एक शरीर है तो एक आत्मा है, हर चीज के दो छोर हैं। ये माइक है आप देख रहे हैं, अब दिखाना माइक दिखाना, इसके भी दो छोर हैं, ये बॉटम ये टॉप है, ठीक है, ये नीचे का सिरा है, ऊपर का सिरा है, ऐसे ही हमारा शरीर है, ये जो दिख रहा है ये प्रकृति है, जो भीतर है वो परमात्मा है, जो दिख रहा है शरीर है, जो नहीं दिख रहा है वो आत्मा है। और आत्मा बहुत शुद्ध बुद्ध भी होती है, बहुत शरारती भी होती है, बहुत खूबसूरत भी होती है, बहुत बदसूरत भी होती है, और आत्मा ऐसी भी होती है जान ले लेती है, और आत्मा ऐसी भी होती है आपका कल्याण कर देती है। शुद्ध आत्माएं होती हैं, अशुद्ध आत्माएं होती हैं, शुद्ध विचार होते हैं, अशुद्ध विचार होते हैं। इसी प्रकार से जीवन में मैं महसूस किया है बेटा लक्ष्य, कि सकारात्मक चीजों से जुड़ जाओ, सदमार्ग पे चलो और शुद्ध विचार रखो, आपकी डीलिंग आपका बिहेव में पॉजिटिविटी रहे और आपकी डेली रूटीन शानदार रहे, सकारात्मकता से परिपूर्ण, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब इन चीजों को जब हम लाइफ में डेली रखते हैं तो आप विश्वास मानिए हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता है। दोनों से पूछने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मान लो हमारे अंदर एक आत्मा तो है ही ना,
कहते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा है, जैसे बॉडी में से आत्मा चली गई तो हम मर जाते हैं, ऐसे होता है ना। पर ऐसा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस बंदे के शरीर में आत्मा घुस गई, यार पहली आत्मा थी, दूसरी आत्मा कैसे घुस सकती है। जैसे मान लो एक बंदा है, अब कहते हैं ना उसके अंदर भूत आ गए, उसके अंदर ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके अंदर तो पहले से एक आत्मा है, दूसरी आत्मा कहाँ से घुस सकती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से ना ये थ्योरी एक मानसिक रोग है मेडिकल के हिसाब से, पर वैसे अगर हम रियलिटी के ऊपर बात नहीं क्या कि ना, वो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या रूढ़ीवादी विचारधारा के जो लोग हैं ना, उनका मानना है ये कि किसी आदमी में कोई आत्मा घुस गई। मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई भी किसी भी तरीके की आत्मा नहीं है, ये मानसिक रोग है। कई लोगों में, मैंने एक फिल्म देखी थी वो, तो उसमें ना मल्टी टाइप पर्सनैलिटी उसमें आ जाती है, मतलब जैसे अभी 2 घंटे के बाद कुछ और हो गया, 1 घंटे के बाद कुछ और हो गया, 3 घंटे बाद कुछ और हो गया, एक ही व्यक्ति में 3-3 तरह की भी वो पर्सनैलिटी आ जाती है। तो उनमें ऐसा ही होता है, एक बार मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कुछ जगराते वाला था, तो एक लड़की आ रही है, जगराता कर रहा है, वो कर रही है, उसको सिर हिलाई जा रही है, सब लोग ये सोचते हैं कि ना माता आ रही है उसके पास, माता ही। कभी किसी मुसलमान में मुसलमान तो आया नहीं कभी आज तक, क्रिश्चियन में कभी गॉड नहीं आया आज तक, हमारे हिंदुओं में माता तो आ ही जाती है, अचानक आ जाते हैं लोग। तो मैं जब वहाँ गया, उसके फादर और उसकी माँ ने, मम्मी ने उस लड़की को यह सिखा रखा था कि ना आप जगराते में जाना है, बहुत सारे लोग होंगे, हमने इशारे करना है, तुमने सिर लाना है बस। 6-7 साल की बच्ची थी वो। मैं जब वहाँ गया तो मेरे को बड़ा दुख आया उसमें, मैंने उसको कहा, मैं कि छोटी सी बच्ची है, उसको पढ़ाओ लिखाओ को कुछ बनाओ, इसको आप किस विचारधारा को लेकर चल रहे हो साथ में। उसके बाद एक दिन मेरे को पता लगा, वो लोग उसके माँ बाप उसे जो काम करवा रहे थे उसके चक्कर में चाइल्ड कोई केस होता है, चाइल्ड वाला बच्चे वाला केस है जो आया है, तो उसमें वो अंदर थे उसके अंदर, तो वो अपने बच्चे से ना वो काम करवा रहे थे। अभी भूत प्रेत की बात चली थी, तो मेरे को एक वाकया याद आया था, मैं बातचीत करते हुए कहीं खो गया, बस मैं बातचीत में कहीं खो गया, बात बहुत चल रही थी ना, मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ पे तो कि दोनों को बुलाया, चाचू और पापा को। अब चाचू तो मानते हैं भूत प्रेत में, अब चाचू मानते हैं कि भाई ये चीजें होती है रियलिटी में, और पापा कह रहे कि ये चीजें नहीं होती, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर जाते हैं इसको कि क्या एक्चुअल में, और आप भी देखना और आप भी कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में आपके हिसाब से आत्मा होती है नहीं होती है ना। आप बताना कि आप चाचू की बातों से एग्री कर रहे हो या फिर आप पापा की बातों से एग्री कर रहे हो। देखिए, मैं लक्ष्य का आपसे बात और शेयर करूंगा, आत्मा होती है, एग्री कर रहे हैं? नहीं, एग्री। आत्मा विचार भी होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, एग्री। दिन भी होता है, रात भी होते हैं, अभी बताया हर चीज के दो होते हैं, टॉप एंड बॉटम इफेक्ट है। शरीर दिख रहा है, एक चीज जो है नहीं दिख रही है, ये प्रकृति दिख रही है, ये मकान दिख रहा है, सिस्टम दिख रहा है, लेकिन जो इसके भीतर है जो नहीं दिख रही है वो भी है। हवा नहीं दिख रही है पर वो है, है ना। तो शुद्ध हवा है, अशुद्ध हवा है ना, शुद्ध हवा अशुद्ध हवा है ना। स्मेल दिख रही है, हाँ। नेगेटिव विचार है, नेगेटिव विचार होते हैं, अच्छे विचार भी होते हैं, डर्टी स्मेल भी होती है ना, स्वीट स्मेल भी होती है। जिंदगी में उसकी सत्ता में, उस सृष्टा की सृष्टि में, उसकी सत्ता में आप किसी चीज को इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। क्या ये बालाजी जहाँ हम जाते हैं, हमारे हिंदू लोग जाते हैं, सनातनी लोग, वहाँ पर इतना भीड़ होता है, क्राउड होता है, वहाँ भूत हनुमान जी की वहाँ पर जाते हैं, भूत उतर जाते हैं लोगों के, जैसे वहाँ पे कहते हैं वो लोग यूं कर रहे होते हैं, सिर हिला रहे होते हैं, एक बंदा वहाँ पे गड्ढे हैं, लोग वहाँ पे सिर घुसा देते हैं, और वहाँ पे सिर घुसा के ना ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो आत्मा है मेरे ख्याल से, आत्मा ही अंदर, या देखो या वो आत्मा है या वो मेडिकल साइंस के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से ना वो कोई ना कोई दिक्कत है वो मेंटल लेवल की, तो आपके हिसाब से क्या है। मैं अभी ना अपनी मेरी सास से वहाँ गया मैं आज अभी, तो मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूँ, मैं मानसिकता की बात बता रहा हूँ। जो मेरा साला है उसको ब्लाइंड, वो दिखता नहीं है, बचपन से दिखता नहीं। तो मेरी सासू माँ ने ये कहा कि ना, यदि आप आ गए हो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हो, तो कभी कभी आ भी जाया करो। मैंने कोई बात नहीं, टाइम कभी मिलता है तो आ जाता हूँ। मैं कोई दिक्कत, अरे
पवन नाम है मेरे साले का, नाम पवन है उसका, पवन कुमार। तो उसने कहा कि इसको ना कुछ भी खाएगा तो लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ भी खाएगा लूज मोशन लग जाएंगे। तो उसको कम से कम 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1 साल से लगभग मुझे लगता है कि ना 2 साल हो गए होंगे उसको करते करते। वो उन्होंने कहा कि ना ये मैंने इसको सभी तरीके से दवाई, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सभी दवाई खुवा दी मैंने इसको। ये अभी की बात है, 2 घंटे पहले की, 10 बज गए होंगे ना, 10 बज गए होंगे, 11 नहीं बजे, 10 बज गए होंगे। मैं 6 बजे वहाँ था उसके पास, तो मैंने उसको बात बताई ना, वो उनको लगा कि तो या भी ये ठीक बात कर रहे हैं। उसका जो लूज मोशन का जो बीमारी थी ही नहीं, उसको लूज मोशन की बीमारी नहीं थी, बीमारी नहीं है जब से चेक करवा लिया, LFT, TNT, PNT सब कुछ वाली है, उसको वाली है, जब बीमारी नहीं है उसको, मानसिक रोग है, मानसिक रोग है। एक डॉक्टर मैंने सुना, एक डॉक्टर है, मैं उसको नाम बता दूं, तुझे कौन से डॉक्टर का नहीं है नाम उसका, जब मैं उसको वीडियो देखी ना उसकी, वो कह रहे दिमाग और पेट एक ही है, दिमाग और पेट एक ही है। तो मैं सजेस्ट करके इसको आया कि मैंने किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, हमारे डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर पड़ोसी डॉक्टर हैं, उनको दिखा के आओ, क्योंकि मेरे बड़ा लड़का भी ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम में आ गया था, बहुत पता ही है ना सबको, चाचों को पता होगा, बहुत दिक्कत में आ गया। तो मैंने बड़े दूर दूर उन डॉक्टरों को, दिमाग के डॉक्टर को दिखाया। अब जैसे उसको बार बार लैट्रिन आ रही, बार बार लैट्रिन आ रही, कुछ खा तो रहा ही नहीं, अगर 2 साल तक लैट्रिन बार बार आई जा रही है, आ रही हैं आ रही हैं, उसको तो मरना ही स्वाभाविक था, वो तो रहेगा ही नहीं, कुछ भी खाए, टेंशन, दिमाग, दिमाग से सब कुछ चल रहा है, हाथ मैर मुँह जुबान हर चीज़ वो चल रहा है। मैंने डॉक्टर को परिस्थिति दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगा। दिमाग बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना, अंधाधुंध सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को कुछ छाती में कुछ हो रहा है, कभी ये कुछ हो रहा है। तो एक पेशेंट आया, अभी मैं कुछ दवाई लेने गया था, पेशेंट आया, कह डॉक्टर साहब मेरे को ना कुछ ऐसे लगता है मेरे को यहाँ छाती में कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरे को कभी छाती में ऐसे लगता है, वो कह रहा चुप हो जा बस मैं दवाई दे देता हूँ उसको। रात को खाई, सुबह कवा जब गया दोबारा गया, अभी अब रात को तो ठीक था, कहाँ डॉक्टर साहब ठीक था, उसने एक दवाई कौन सी दी, एक दवाई आती इटिजोलम, दिमाग को शांत करने की दवाई, उसने वो दी, एक महीने दवाई चली, वो बिल्कुल ठीक हुआ, कोई दर्द नहीं था। दिमाग का डॉक्टर को मैंने उसको बोल के आया, मैं दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, पेट वूट के सारे रोग दूर हो जाएंगे। दूने के हर चीज़ मानसिक रोग से चलती है, मानसिकता से चलती है हमेशा। अरे देखो हमारे हमारे जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वैज्ञानिक तो अभी आए हैं ना, वो ऋषि मुनि वैज्ञानिकों के बाप थे, वो जिन्होंने ये बता दिया कि चंद्रमा की गति इतनी है, सूर्य कितनी, शनि कहाँ है, शनि क्या है, शनि शनि आहिस्ता आहिस्ता, शनि मारता थोड़ी किसी को भी, सौरों को भय का प्रकोप ऐसे कुछ लोगों ने, कुछ ठेकेदारों ने बना रखा कि शनि का कुछ आहित कर देगा, शनि को आहित नहीं करेगा, किसी को भी आहित नहीं करेगा। सूर्य से शनि इतनी दूर है, इतनी दूर है कि उसके सूर्य की रोशनी शनि तक पहुँचते बर्फ बन जाती है, ठंडी हो जाती है, इतनी दूर शनि है। पैदा कर रखा मानसिकता में, पैदा कर रखा शनि मार देगा, हनुमान मार देगा, हनुमान ने इसको बताया, उसको बचा दिया, एक मानसिकता ही है, हर चीज़ की मानसिकता कि शनि बहुत दूर है, सूर्य से भी बहुत दूर है, सूर्य से भी बहुत दूर है, तो डरने की जरूरत नहीं। आप कहना चाहते शनि से डरने की जरूरत नहीं है, सूर्य से करोड़ों दूर, कोसों दूर है। अरे भाई जैसे सूर्य हमारे करीब नज़दीक है ना, हमारी झोपड़ी में आ जाता है, नहीं आता है क्या, आता है ना, कितनी दूर है, कितने दूर है कोई, तो आप एक मिनट सूर्य से वहाँ है, आपकी झोपड़ी पहुंच गया, कहाँ की, यहाँ थोड़ा ना 1 किलोमीटर दूर पे, 5 किलोमीटर, ये 350 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से जो है 200 किलोमीटर दूर होगी, इतनी दूर थोड़ा ना, करोड़ों किलोमीटर है, वो आपकी झोपड़ी में निवास करता है, वो करोड़ों किलोमीटर, उससे भी करोड़ों किलोमीटर वो भी निवास करता है। इनका प्रभाव इतना है, इतना प्रभाव है कि वहां बैठा है, रिजल्ट यहाँ है, मोदी वहां बैठे, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, एक मिनट, उसका प्रभाव यहाँ है। ये प्रकोप करते कैसे फिर, ये तो एक गोला ही तो है, और ये प्रकोप कैसे कर देंगे, ये हमारी लाइफ के अंदर कैसे झांक लेंगे, हमारी लाइफ को तहस नहस कैसे कर देंगे, है तो एक प्लेट, क्या कहते हैं उसको, प्लेनेट,
एक प्लेनेट ही तो है, तो हमारी लाइफ के अंदर घुस के हमें पूरा कोर वाला कैसे करना है? हाँ बिल, अगर वो पूरा करते हैं तो कैसे करना? देखिए लक्ष्य पता क्या है, देखिए स्पष्ट बात है, मेरे साउंड को आप सुन पा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एक वर्चुअल बन गया, एक तारतम्य बन गया आपस में, कनेक्टिविटी है, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आवाज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है ना, है ना, पूरी कायनात में इनका आधिपत्य है, कोई देख नहीं पाता है, ये है ही आस पास अभी है, आपके जीवन में, आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी राशियों में, आपके हर कदम पे, आपके हर एक्शन पे, और जितनी जिस ग्रह की जितनी कृपा होगी, जितना आशीर्वाद होगा, उतनी सफलता है आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जो उसका एरिया है, उसका अधिकार क्षेत्र है, जो उसका जो उसका जिसका वो स्वामी है, वो फायदे पहुँचाएगा। और जहाँ वो वक्री हो जाते हैं, जहाँ वो अब उनकी दृष्टि क्रूर दृष्टि हो जाती है, वहाँ नेगेटिव परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। ये नेगेटिव परिणाम क्यों मिलते हैं, कब मिलते हैं, इस पे चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन उनका असर यहाँ जीवन में, यहाँ पे स्वामी जी मतलब मेरे चाचू की बातें मुझे अच्छी लग रही है और कहीं ना कहीं रियलिटी लग रही है, और जब पापा बात बता रहे हैं तो अभी भी लग रही है, तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है अंदर की। अच्छा एक बात और भी है, देखो मैंने लॉकडाउन तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, एशिया यूरोप सभी दुनिया देखा है। अच्छा उस दौरान क्या था, क्या आपको समझ में आया उस दौरान क्या हुआ? काशी विश्वनाथ से लेके वैष्णो देवी के कपाट तक बंद थे, करोड़ों लोग मर गए। क्या आपके पास कोई बच्चा बीमार है, आपके फादर बीमार हैं, आपकी मिसेज बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, कहाँ जाओगे लेके? मंदिर जाओगे क्या? डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे? ये मन का भ्रम है सारा। मन को एक शांत करने की चीज़ है, शांत तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को भी लगता है, मुझे भी लगता है कि हाँ मैं अगर बैठता हूँ सुबह आँख बंद करके बैठता हूँ, ओम की ध्वनि का उच्चारण करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उस बात को। लेकिन मेरे 100% मानना यह है कि जो कर्म कर रहे हैं ना खुद, उसका असर जीवन में पड़ता है बस। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ये भगवान है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे मंदिर आ रहे हो नहीं, हमें फर्क पड़ता है, हमें हमारे माइंड को शांति होती है इससे। भगवान नहीं कहता कि तुम मेरे मंदिर आओ, तुम जल चढ़ाओ, तुम ये करो, तुम ये करो। हाँ ये जरूर कहते हैं कि तुम अच्छे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा करो, दान करो। वो पाखंड और प्रपंच से दूर हैं, मन की शांति के लिए अपने आराध्य को चुनो, अपने इष्ट को चुनो, मन की शांति के लिए चुनो। लेकिन जहाँ कर्म की बात आएगी ना, कर्म की बात आएगी, सबसे पहले अपने ही कर्म अपने आप को भोगने पड़ेंगे। तो मुझे जो लगता है, वैसे आपने जो बात कोरोना काल की बात छेड़ी थी, मैं उस बात को जो मैंने फील किया वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो कितना भयानक टाइम था देश में, जब महामारी थी, दहशत इतनी ज्यादा थी कि भूत प्रेत भी लगते थे छोटे पड़ गए। उस समय तो भूत प्रेत भी नहीं आ रहा था, कोई किसी को लग रहा था भूतड़ी आ गई, किसी को लग रहा था भूत आ गए, वो छोटे पड़ गए थे, वो गुम हो गए थे, गायब हो गए थे। और सबसे बड़ा भय हो गया था कि जिसको कोरोना हो गया है इसकी वजह से मुझे ना हो जाए, ये तो मरेगा पक्का है, ये मुझे ही मारेगा। बचाव, बचने का, सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, सांसद सिक्योरिटी का, सेल्फ सिक्योरिटी का इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया था, इतना ज्यादा सुरक्षा को लेकर हम इनसिक्योर हो गए थे कि हमें सुरक्षित हो रहे हैं, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी पत्नी को, अपने सर को बचाना है, अपने खुद को बचाना है। हम उस बचाने के चक्कर में लाइव देख रहे हैं टीवी कि इतने लाख लोग मरे गए, इतने हॉस्पिटल मर गए। एक सबसे बड़ा सीन देखा, बिलीव नहीं करोगे, मेरे पड़ोस में से पता लगा, साथ वाले पड़ोस में एक महिला एक्सपायर हो गई कोरोना काल में, 70 साल की महिला। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कोरोना था, इसको बुखार हुआ था, वो बुखार नॉर्मल नहीं था, कोरोना था। अब उसको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए अब विश्वास करोगे कोई नहीं था, उसके बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में गली के 4 लोग इकट्ठे हुए थे, डॉक्टर की टीम आई थी LNGPC, और उसको वहाँ पर जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर पहले से बहुत लोग थे कोरोना, डॉक्टरों की टीम थी वहाँ। तो मुझे 2 बातें लग रही थी कि जो मर चुके हैं, जो आत्माएं आसपास भटक रही होंगी, और जो मरने वाले हैं वो आत्माएं, और जो मर चुके हैं वो आत्माएं, और कितनी आसपास आत्माएं, इन आत्माओं का जमावड़ा, भीड़, क्राउड, उन आत्माओं की क्राउड आ गया होगा, आत्मा होगा जब मर रहे हैं। यार मेरे को बाद मेरे बीच में याद आ गया, मैं बता रहा हूँ अभी, देखिए मैं दिमाग में रिजा से है कि किसी भी आज तक किसी SP को भूत चढ़ते देखा क्या? SP को किसी DC को देखा क्या? मनमोहन जी को भूत आया आज तक? राहुल गांधी को भूत आया आज तक? मोदी जी को, योगी जी को भूत चढ़े आज तक? क्या चढ़े भूत किसी को? चढ़े क्या?
मैं पहले बोल रहा था वो ये सब मानसिक रोग है सर। ये सारे रूढ़िवादी विचारधारा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भूत प्रेत को मानते हैं वो। देखो मैं बताता हूँ सुनो, ये मानसिक मानसिक टेक्निकली प्रॉब्लम फिजिकली प्रॉब्लम भाई साहब, मैं यहाँ आपकी बात से सहमत हूँ कि मेंटली प्रॉब्लम होती है इंसान को, मानसिक बीमारी हो सकती है, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन आप दूसरी बात से एग्री, मैं नहीं धक्के से करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि सत्ता को मानो, जो नेगेटिव पावर है संसार में उसकी सत्ता को भी मानो। सत्ता तो मन की पावर है ना, सत्ता तो मन की पावर है, मन की पावर को मानो सत्ता को। लेकिन मैं बच के रहता हूँ, मुझे मालूम है दूसरी सत्ता भी है, उससे अपना डिस्कनेक्ट है, अपा उनसे मतलब कंसर्न नहीं है, पर हमें मालूम है उससे बचने के लिए हम परमात्मा की शरण में, क्योंकि हमें मालूम है वो पावर है, वो भी है, उसकी भी सत्ता है, क्या नहीं है। अगर तुम्हें लगता है उसकी सत्ता देखनी है, नेगेटिव पावर की सत्ता देखनी है, उसकी पावर देखनी है, उसको औकात देखनी है, तो रास्ता बताता हूँ वहीं पर नहीं तू। देखो यहाँ बात छोड़ दें, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे शब्दों में बात करो यार। नहीं चलो शॉर्ट कट बताता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मेंटली होता है एग्री, लेकिन आप इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं कि परमात्मा के अलावा दूसरी चीज भी है। पर मैं सदैव सिक्योर करने की बात करता हूँ कि ना परमात्मा के साथ कनेक्ट रहो, क्योंकि दूसरी चीजें भी हैं, वो है, वो ऐसा नहीं है नहीं, उसको काटो मत, क्योंकि है, एक्चुअल में है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी हजारों चीजें हैं, ऐसे स्थान हैं जो बड़े फेमस हैं नेगेटिव ऊर्जा को लेकर, कि वहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है। मानते हो लक्ष्य, अगर मैं जैसे चाचू के हिसाब से देखूं तो कि जो एक्चुअल में आत्मा है ना, उसका जो परम लेवल है ना वो है परमात्मा। परम लेवल हो गया मतलब आत्मा तो आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं, परमात्मा को जो मान रहे हैं, क्योंकि भगवान तो मानते हैं सारे और हर कैटेगरी के अलग अलग भगवान है, तो यहाँ पर तो मतलब आत्मा तो लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं तो है ही, हमारे अंदर भी आत्मा है, जब हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, और गीता में भी लिख रखा है कि भी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, पर एक्चुअल में आत्मा आपके अंदर है, और वो जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, जैसे शरीर बदला है, आज मेरे अंदर है ये आत्मा, चली जाएगी कहीं और, मोक्ष मिलेगा पर इसको तब खत्म होगी। मोक्ष कैसे मिलेगा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के, जब हम ताम झाम से हट जाएंगे ना बिल्कुल ही, तब होगा सारा कुछ। तो आपका क्या है इसके बारे में राय, जैसे मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, और अच्छे कर्म बुरे कर्म मानते हो आत्मा, अच्छे कर्म बुरे कर्म आत्मा? हाँ मैं अच्छे कर्म बुरे कर्म को मानता हूँ, आत्मा को नहीं मानता। मैंने जीवन मैंने आत्मा को माना ही नहीं कभी भी आज तक। मैं अपने कर्म को हमेशा देखो, अच्छा मैं आज मैं सुबह सुबह उठ के जा रहा हूँ काम करने के लिए, परिवार का दर्शन कर रहा हूँ, अपने हाथों को उंगली देखो, मैं अच्छे कर्म करके दुकान पे जाऊँगा, जो मेरा काम है, जो मेरा व्यवसाय है, वही तो करूँगा मैं जाके। इसमें जो मैं अच्छे कर्म करके जाऊँगा वो मेरे अध्याय लिखा जाएगा, जो बुरा कर्म करके जाऊँगा वो उसका भी एक चैप्टर बनेगा उसका, है ना। अच्छा चलो मैं ये सोचता हूँ कि चलो यार मैं भगवान की पूजा करने के बाद जा रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि यार चलो मैं एक बार पॉजिटिविटी हासिल करनी है। मेरे घर के पास नाभि कमल मंदिर है, बहुत ही शुद्ध मंदिर है, जो मैं अभी हिंदू वैसे मैं तो मानता ही हूँ भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा तक मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं मन की बात करूँगा, जो पढ़े लिखे डॉक्टर उसकी बात करूँगा, ठीक है ना। पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे की वाली बात ही सिस्टम होना पड़ेगा ना, उसको बात करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे इसको यार भूत पीड़े चढ़ा दूंगा करेगा, इंजेक्शन लगा देगा उसको पता है, वो एक और बात होगी, एक बात और निकल के सामने आ गई, अभी देखो उसी साले की बात निकल के सामने आ गई पवन, एक बार तुमको पता भी लक्ष्य पता ना उसके बारे में, उसने बहुत तंग कर दिया घर वालों को, बहुत तंग कर दिया, आँख तो है नहीं, ब्लाइंड था वो, घूम ही जा रहा, शोर मचा रहा है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वैराग उत्पन्न हो गया उसका, पंखे की स्पीड में घूम, हाँ बहुत तेज घूम जा रहा, सारे पकड़ के परेशान हो गए, पकड़ परेशान हो गए। वो गए थे एक चर्च के पास चले गए वो, मैं उसको और को जानता हूँ, उसको चर्च के पास चले गए वो, चर्च नहीं थी यार, क्या नाम उसका, मस्जिद मजार नहीं कहते उसको, जो पाखंडियों की मजार थी, वहाँ चले गए मुल्ले, चलो नाम नहीं लूँगा उसको, उसके बारे में फायदा कोई नहीं लगे, वहाँ चले गए, उन्हें टोना टोटका करा, वो तो टोना टोटके वाली ही जो औरत थी, वो तो टोना टोटका करा, मैं ठीक कर दूँगी, गंगा जल ना गंगा जल नहीं, बस पानी पुनी जो भी है वो उन्हें करके डाला, कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को पता लगा उनका कि मैं वहाँ चली गई, मेरे को बिना बताए वहाँ चली गई थी, वो तो मजार के पास चली गई उसने, उसने और इस तरह की औरतों का काम यही था लोगों को गुमराह करना, मानसिकता को परेशान करना, उसको मानसिक रूप से परेशान कर बीमार करना। मेरे को फोन आया पैसे ले गए, पैसे आठने के चक्कर में बीमार लोग आ रहे हैं उसको पैसे ऐट लो बस। मेरे को पता लगा भी क्या हो गया, उन्होंने आप आ जाओ, मैं कहता हूँ भाई हमारे शहर में LNJP
सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे शहर के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल है, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल वहाँ पे, वहाँ गया डॉक्टर शैली है वहाँ। मैंने उनको कहा भी ऐसी बीमारी है, ये है चक्कर है, उसने कुछ नहीं करा, एक साइड में एक इंजेक्शन लगाया उसको, शांत हो गया वो बिल्कुल। मैंने डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी थी उसको, कर यार मानसिक रूप से परेशान हो चुका था, दिखता तो है नहीं उसको, दिखते नहीं है उसको, मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता है वो, पैदल आता है पैदल जाता है तो माल की बात है, लेकिन घर का असामंजस्य और वहाँ का स्कूल का परिवार का डिप्रेशन, अपना दिमाग का डिप्रेशन, अपनी आँखों का डिप्रेशन उसको दिमाग में चढ़ गया, इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, कोई साहब नहीं, लाइफ का डिप्रेशन था। डॉक्टर ने ठीक करा, मंदिर जा सकते थे, चर्च जा सकते थे, ना उनके लिए कोई मजार जा सकते थे, ना उनके लिए कोई मैरिज लाइफ है, ना उनके लिए कोई नॉर्मल फ्रेंड लाइफ है, ना कुछ भी नहीं, ना उनके लिए एक अच्छी फैमिली या फिर एक अच्छे पैसों को एंजॉय कर पाए, क्योंकि जितने डॉक्टर के पास लोग जा रहे हैं ना, आधे से ज्यादा बीमारी दिमाग से काबू होते हैं, दुनिया में सारी बीमारियां बात कफ पित्त से हो रही है बीमारी, उसको बोले क्या ठीक आ रही है, वो दादा को पता है क्या हो रहा है, उसको बुखार चढ़ रहा है, पित्त हो गया उसको, कफ हो गया उसको, वायु होगी गैस बन गई उसको, पूरी दुनिया में तीन ही दवाई बनी है सिर्फ वात पित्त कफ, तीनों चीजें माइंड के लेवल से ठीक की जा सकती है बिना दवाई के, नहीं ना दवाई देनी पड़ेगी इसको, वात पित्त कफ डॉक्टर लैंड की, ये तीन रोग हैं, इसमें कोई नहीं झाड़ फूक कर सकता है, ना मंदिर मजार चर्च कुछ नहीं कर सकते। जैसे चाचू आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आजकल ये कहते हैं ना कि बुखार चढ़ रहे हैं लोगों को, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, झाड़ा लगवाने चल जाते, तो क्या सही है चीज़ झाड़े भूत प्रेत के पास जाना, जो जहाँ पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, और कहाँ जा रहे हैं वो जादू टोने वाले लोगों के पास जा रहे हैं? बिल्कुल वो गलत है, जादू टोने वाले को बस झाड़ो झाड़ जो झाड़े लगाते हैं जो करते हैं ना, लेकिन एक हमारी परंपरा है पुरानी जो फैक्ट है काम करते, जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ दवाएं काम करती हैं, और हाथ में बख्शिश होती है, वो भी शुद्ध, मैं फिर आत्मा की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई प्रेतात्मा वाली बात नहीं है, यह परमात्मा की बात है, शुद्ध आत्माओं की बात है, और बख्शिश की बात है, और वरदान की बात है। कुछ उस परिवारों को ऐसे लोग हैं जहाँ परमात्मा ने स्पेशल उन लोगों को ना कुछ ऊर्जा दे रखी है उनके हाथ में, कि हाथ फेर दें या कुछ हाथ समा अपने हाथ से कुछ दे दिया तो लग गया है ना, ये लो बच्चे ये मिट्टी और यहाँ लगाओ, ठीक है, वो बख्शिश है, मैं इस जो मानता हूँ। अभी हाल ही में भी लेटेस्ट कल की बात है, मेरे कार्यालय में एक लड़की को, मेरे कार्यालय में एक लड़की को यहाँ पर गल पैड हो गया था, गल पैड भी बोलते हैं गल, ये जो हाँ हाँ वो बोली मुझे दो दिन से मैं दवाई खा रही हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने कहा ये आज आपने बताया मुझे, बहुत लेट बताया आपने, कोई बात नहीं, आपने पहले दिन बताना चाहिए था, आप एक काम करो, ये फ़ोन नंबर मैं लगा रहा हूँ, इनसे बात करो, वहाँ जाओ। बोले क्या है, कौन है, मैं क्यों बात करूँ? मैंने कहा वो कुम्हार है, पुरानी परंपरा है, हमारे माँ ने हमें कहा था कभी गल पेड़ हो तो कुम्हार जिस ऐसे वो बर्तनों को ठीक करता है, वो ऐसे यहाँ ऐसे करके ठीक कर, बर्तन लगा के करते हैं सही, वो झाड़ा लगाते हैं वो यहाँ पर ना, वो थप थप्पे से देंगे ऐसे कुछ, ठीक है, वो कुम्हार करता है, वो ये ठीक कर देगा। बर्तन बनाने वाले ने वहाँ वो में कुछ ऐसी चीज़ होती है शेप से, वो कुछ ऐसे लगा के वो करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही बात, आप विश्वास कीजिए, मैं विश्वास इसलिए करता हूँ कि जो अतीत की पुरानी परंपराएं हैं, पुराने विश्वास हैं, कुछ अंधविश्वास भी हो सकते हैं, लेकिन जो विश्वास है वो आज भी विश्वास काम करते हैं। वो लड़की वहाँ पर कुम्हार के पास गई, उसने यहाँ पर वो गल पेट पे यहाँ पे जो उसको हो रहा था कुम्हार से झाड़ा लगवाया, ऐसे जो भी उसने कैसे किया होगा मुझे मालूम नहीं, मैं तो साथ नहीं गया था। वो लड़की आज बोली मैं ठीक हूँ, 70% ठीक हूँ, 30% रह गया शायद आज शाम तक या सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक हमारे हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्गों ने, उन्होंने जीवन जिया है, उनके अनुभव हैं, वो अनुभव वो किताबों में लिखे हैं, शेयर करो उनसे, ये काम करते हैं। और आत्मा का मतलब मैं ये नहीं कि मैं प्रेत आत्माओं को समर्थन दे रहा हूँ, मैं शुद्ध आत्माओं को समर्थन देता हूँ। मैं एक बात भी कहना चाह रहा हूँ कि प्रेत आत्मा भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती हैं, और हर वो बुरी आत्मा है जो आपके भीतर आपराधिक कार्य करवाती है,
जीव शरीर में, हर वो प्रेतात्मा है जो शरीर के माध्यम से गलत काम कुकर्म करवाती है, कलयुग के काले नियम करवाती है, और ऐसे जितने भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और जितने भी प्रकार के अपराध हैं, कुकर्म है जो इंसान करता है ना, वो प्रेत आत्मा करवाती है, बुरी आत्मा करवाती है। और बुरी आत्मा कहाँ है? अपने ही शरीर में है। देखो सीधी सी बात है, अच्छे काम करोगे तो अच्छी आत्मा, बुरे काम करोगे तो बुरी आत्मा, प्रेत आत्मा। बहुत अच्छे काम करोगे, बहुत अच्छे काम कर रहे होते, उस आत्मा से महान आत्मा लेवल देवत्व प्राप्त हो जाता है, देवात्मा हो जाता है, उससे ऊपर बड़ा एक हो रहा है, महात्मा परमात्मा बन जाता है। परमात्मा तक भी जाने का, महान आत्मा तक का बनने का प्रोसेस है। जैसे आप जानते हो, मैं कोई बात मैं शेयर करता हूँ, मुझे ध्यान आ रही, समझ आ रही है बात। अरे मेरे बच्चे ने पूछा, पापा ये हीरे कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ लगते हैं, पेड़ पे या कहाँ पर, या कहाँ पर होते हैं? मेरी छोटी बेटी ने पूछा था, और उसका स्पष्ट जवाब था जो है हमें मालूम है, जितना समझ, कोयले से हीरा बनता है। कोयला अनंत सालों की प्रोसेस के बाद, गहरे में दबे रहने के बाद, ठीक है, कुछ गैसों के रसायन से उसका जीवन रूपांतरित होता है, उस कोयले से वो हीरा बनता है। ऐसी एक, तुम एक नॉर्मल आत्मा हो, मैं एक नॉर्मल आत्मा हूँ, आप एक नॉर्मल आत्मा हैं, मैं अपने जीवन के माध्यम से कुछ अपने आप कोई काम नहीं करता हूँ, ये आत्मा करवा रही है। मेरे दिन में, पूरे डेली रूटीन में, पूरे दिन जितने भी मेरे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से काम होते हैं, मैं डॉक्टर पे गया, मैंने पत्नी की हेल्प की, मैंने बच्चों की हेल्प की, मैंने एक कंपनी में जाके काम किया, सारे दिन काम किया, मैं कर ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रही है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा माइंड सेट है, मुझे वहाँ जाना है, माइंड की कंडीशनिंग है, बच्चों के लिए सर्वाइव कर कमाना है, उनको सर्वाइव करना है, बच्चों को लाइफ देनी है, बच्चों के लिए कमाना है, यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, ये करना वो करना, पर कोई कुकर्म नहीं, कोई अपराध नहीं कर सकता, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और शुद्ध आत्मा के साथ मैं परमात्मा भोलेनाथ से जुड़ा हूँ, शिव से, भगवान शिव से जुड़ा हूँ, जो कालों के महाकाल हैं, और सबको अपने बच्चों को भी संस्कार दे देता हूँ कि इस दुनिया में बुरी चीज़ें होती हैं, बेटा नकारात्मकता भीतर मत लाना, ना पथ भ्रष्ट होना, ना नकारात्मक दिशाओं में जाना है, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि सत्ता दोनों की है, पर आपने इस सत्ता को, इसका हाथ पकड़ के जाना है जो पॉजिटिव है, सकारात्मकता है, परमात्मा है। इसलिए मन के आनंद की जय हो, परमानंद की।